गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी टीच स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट मैक्स मैजिक वर्कशीट। आज हम न्यू वर्कशीट बनाएंगे। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको एक वर्कशीट बताई थी। आज के वर्कशीट में हम क्वेश्चन 1 सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्कल करना है और टिक किस में करना है ग्रेटेस्ट नंबर पे। तो इसमें स्मॉलेस्ट सबसे नंबर देखेंगे हम कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 113, तो उसमें क्या करेंगे सर्कल, और टिक किस में करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 653। ओके, समझ में आ गया आपको। जो छोटा नंबर है उसमें स्मॉल नंबर है उसमें सर्कल करेंगे, और जो बिगेस्ट नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर उसमें क्या करेंगे टिक। ओके चिल्ड्रन, उसमें देखेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये है हमारा और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 665। ओके, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है देखेंगे हम। स्मॉलेस्ट नंबर 217 एंड बिगेस्ट नंबर 784। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद 436 में स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये स्मॉलेस्ट है और बिगेस्ट कौन सा है 956। उसके बाद 705, 433, 644 एंड 372 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है ये वाला। ओके, एंड बिगेस्ट 705। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद नीचे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, हमको नीचे प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखेंगे हम 8 है, फर्स्ट डिजिट है उसमें 8, सेकेंड उसमें 40 और लास्ट सबसे 400। समझ में आ गया, ये फर्स्ट है 8 अकेला है, लास्ट है तो 8, उसके बाद उसमें एक जीरो ऐड हो जाएगा और उसमें सबसे आगे है उसमें 2 डबल जीरो ऐड होगा क्योंकि ये आगे उसके दो डिजिट और है, इसलिए यहाँ पे 2 क्या लग जाएंगे जीरो। समझ में आ गया आपको। उसके बाद 3, यहाँ पे 3 का 3 7, उसके बाद 1 डिजिट है इसलिए 10, 5 के बाद 2 डिजिट है इसलिए 20 लगा देंगे। ये है हमारी प्लेस वैल्यू, समझ में आ गया चिल्ड्रन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 तो 2 खाली, उसके बाद 5 के बाद 1 डिजिट तो 0, 4 के बाद 2 डिजिट तो 00। ठीक है, ये आपको प्लेस वैल्यू लिखना आना चाहिए। ये 634 है तो 4 तो 4, 3 के बाद 1 डिजिट है तो 30, और 6 के बाद 2 डिजिट है तो कितना होगा 620 लग जाएगा। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद 732 तो 2 का 2, 3 के बाद 1 डिजिट 30 और 7 के बाद 2 डिजिट तो कितना हो जाएगा 700। ओके चिल्ड्रन, ये हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 के बी में देखेंगे राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंड फॉर्म। यहाँ पे हमको एक्सपेंड फॉर्म करना है, समझ में आया। और क्या लिखना है नीचे प्लेस वैल्यू, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो 984, फिर जिसे जैसे हमने इसको लिखा ऐसे ही हम लिखेंगे इसको। तो आगे 9 तो उसके पीछे कितनी डिजिट है 2 तो 00, 8 उसके पीछे कितनी डिजिट है 1 तो 80, और 4 का 4 के पीछे कुछ नहीं है ना इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लगेगा। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आपको। फिर 345, तो 3 के बाद कितनी डिजिट है 2 तो 300, पहले इसको अलग करेंगे एक्सपेंड करेंगे 345, उसके बाद डिजिट लगाएंगे 0 लगाएंगे। 3 के बाद 2 डिजिट है 300, 4 के बाद 2 तो 40, और लास्ट 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो 5 का 5। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आपको। उसके बाद 435 तो 435, तो 4 के बाद डबल है डिजिट तो 400, 3 के बाद है 1 तो 30, और 5 के बाद कुछ नहीं है तो 5 का 5। ओके चिल्ड्रन, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, वर्कशीट बनानी है, उसमें आपको ये लिखना है, सॉल्व करना है। उसके बाद पीछे हम देखेंगे राइट द फॉलोइंग नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म। आपको फॉलोइंग नंबर दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना है। 403 times 9 once तो 439, ये आपको इकट्ठा लिखना है। यहाँ पे अलग अलग
आपको अलग अलग दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 742, 752। ओके चिल्ड्रन, उसके आगे के वीडियो में मैंने आपको डिसेंडिंग बताया था, पर आज के वीडियो में मैं आपको असेंडिंग बता रही हूँ। डिसेंडिंग में स्मॉल टू क्या था हमने आपको दिखाती हूँ मैं, डिसेंडिंग में ये मैंने आपको करवाया था उसके पहले के वीडियो में, बिग टू स्मॉल। डिसेंडिंग में क्या होता है, बिग टू स्मॉल, और असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉल टू बिग। समझ में आया, ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, जिससे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर आपको इजी हो जाएगा करना, अगर आपको पता होगा तो। असेंडिंग में पहले सबसे स्मॉल लेने का, मैं आपको एक करके बताऊंगी, नीचे का आपको घर पे करना है। यहाँ पे पहले सबसे सबसे स्मॉल लेना है, तो सबसे स्मॉल देखेंगे कौन सा है, तो देखेंगे इसमें सबसे स्मॉल है 249, उससे स्मॉल तो 482, उससे स्मॉल 563, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे बिग तो 973। इसमें क्या है, पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, स्मॉल टू बिग। हमको कैसे जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, स्मॉल टू बिग, आपको ये याद रखना है। हमको पहले छोटा लेना है, सबसे स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, लास्ट में सबसे बिग। ओके, स्मॉल हमको स्मॉल लेना है, पर उसके आगे स्मॉल नहीं लेना, उसके आगे क्या लेना है, उससे बड़ा लेना है, उससे बिग, उससे बिग, लास्ट में जो सबसे बिग है वो लिख देना है, ठीक है। नीचे वाला आपको घर पे करना है, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, फिर से मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रही हूँ। यहाँ पे बिग टू स्मॉल, उसमें स्मॉल टू बिग था, इसमें बिग टू स्मॉल डिसेंडिंग में, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो लेंगे, 482, फिर उससे छोटा लेंगे, इसमें इसमें बिग नहीं लेंगे, उससे स्मॉल लेंगे, तो उससे स्मॉल कौन सा है, 279, फिर उससे स्मॉल लेंगे 216, उससे स्मॉल लेंगे, फिर सबसे स्मॉल जो होगा वो हम लिख देंगे। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे बिग लिया पहले, फिर उससे उससे स्मॉल लिया, फिर उससे स्मॉल, लास्ट में सबसे स्मॉल जो हमको लाइन में दिया हो, हमको पूछा हो, उसमें सबसे स्मॉल वो हमको लिख देना है। यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है, ये मैं आपको घर पे करने के लिए दे रही हूँ। एक मैंने आपको समझा दिया, दूसरा आपको अपने आप करना है। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आपको, आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, उसमें स्मॉल टू बिग करना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें बिग टू स्मॉल करना है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, स्मॉल टू बिग में पहले स्मॉल लिया हमने, इसमें से जो हमको दिया उसमें से स्मॉल, फिर उससे बिग लेना है, फिर उससे भी बिग, और लास्ट में सबसे बिग, क्योंकि हमको यहाँ पे स्मॉल टू बिग बोला है। समझ में आ गया, हमको क्या बोला है, स्मॉल टू बिग, यानी हमको स्मॉल से स्टार्ट करना है, बिग तक जाना है। समझ में आ गया आपको, ये क्या है, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको बिग लेना है, और बिग से आपको स्मॉल में जाना है। बिग लिया हमने और हम उसमें कहाँ गए, स्मॉल तक गए। ओके चिल्ड्रन, ये आपको क्या करना है, घर पे करना है। आज के वीडियो में आपको होमवर्क में मैं सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ही दे रही हूँ करने के लिए, और ये जो मैंने आपको करवाया वो आपको कॉपी करना है, ठीक है। अपनी मैकशीट की CW में आज की डेट डालनी है, वर्कशीट डालना है, स्टैंडर्ड डालना है, सब्जेक्ट डालने के बाद आपको क्वेश्चन डालना है, और वन बाय वन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 2 ABC और क्वेश्चन 3 ABC। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया चिल्ड्रन, आज की वीडियो में आपको इतना ही करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू वर्कशीट करेंगे, जिसमें मैं कुछ आपको नया सिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको स्मॉलेस्ट डिजिट उस पर सर्कल जो ग्रेटेड है उसमें टिक करना है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू मैंने सिखाई आपको क्वेश्चन 2 में, यहाँ पे एक्सपेंड नंबर करना आपको सिखाया। ओके, ये आपको देखना है, समझना है, और अपनी CW में अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। ओके चिल्ड्रन, और आपको होमवर्क में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके ऑर्डर, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्कशीट बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।